कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाकर भाजपा ने किसान विरोधी पार्टी होने का सबूत दिया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार सो रही है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि सरकार किसानों को 50% मुनाफा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि सरकार किसानों को 50% मुनाफा नहीं दे सकती, क्योंकि देश का 56,000 करोड़ रुपए बैंक का डूब गया है। वहीं नीरव मोदी व विजय माल्या जैसे लोग लाखों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए और सरकार आंख मूंद कर तमाशा देखती रही। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों का फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा। डीएपी व यूरिया पर भी 12% टैक्स लगाकर किसानों को लूटने का काम किया गया है। जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो सरकार ने दबाव में आकर इसे 5% किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ भी सरकार ने धोखा किया है। सत्ता में आने से पूर्व युवाओं को रोजगार का सपना दिखाने वाली सरकार ने 4 वर्षों में जहां 6,382 युवाओं को रोजगार दिया, जबकि 42,000 लोगों को नौकरी से हटाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चिंतन, मंथन, भोजन व अनुमोदन तक सिमट कर रह गई है, जबकि प्रदेश में लोगों को बिजली व पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 60,300 करोड़ रुपए का कर्ज था, अब वह 1,41,792 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और सरकार निरंतर कर्ज में डूबती जा रही है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा सरकार 1,000 करोड़ रुपए की जमीन बेचकर हरियाणा का विकास करने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि हथीन की परिवर्तन रैली प्रदेश की मनोहर सरकार को हरियाणा से चलता कर देगी। बारी आती है तो मनोहर लाल खट्टर जी और मोदी जी तब